अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हमने सॉल्वेंट एक्सेप्शन के अंदर डिस्कस करनी है वो है सॉल्वेंट एक्सेप्शन की टाइप्स, कि सॉल्वेंट एक्सेप्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। चलें डिस्कस करते हैं जी सॉल्वेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सेप्शन टाइप्स। अब टाइप्स की बात करता हूँ ना, चार टाइप्स हैं सॉल्वेंट एक्सेप्शन की। असल में सॉल्वेंट एक्सेप्शन में जो चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिस चीज़ को डिस्कस करूँगा वो कि लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ये वाला टाइप को हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। देखिए टाइप्स की बात करते हैं, फोर टाइप्स हैं लिक्विड एक्सट्रैक्शन की। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्शन, देयर आर फोर टाइप्स, चार किस्में, फोर टाइप्स ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लिक्विड एक्सट्रैक्शन की चार किस्में हैं जी। कौन कौन से चार किस्में हैं? सबसे पहले जो किस्म है वो है बैच एक्सट्रैक्शन, ये हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइप है। इसके बाद बैच सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कह लें या सिंपल बैच एक्सट्रैक्शन कह लें। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास आ जाती है वो है कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कह लें। थर्ड हमारे पास आ जाती है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं, काउंटर करंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट वाली जो आती है टाइप वो है मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, फोर्थ टाइप जो है वो है मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। ये चार किस्में हैं जी हमारे पास कि बैच एक्सट्रैक्शन, कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन और मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। आज जिस चीज टाइप को हमने डिस्कस करना है वो है सिर्फ और सिर्फ बैच एक्सट्रैक्शन। कि बैच एक्सट्रैक्शन है क्या, चलिए हेडिंग दे लें इसकी, बैच एक्सट्रैक्शन की, इसको डिस्कस करते हैं। इसका मेन चीज़ है जी आपने प्रोसीजर वगैरह देखना है, BATCH बैच एक्सट्रैक्शन। बैच एक्सट्रैक्शन का सबसे पहले देखेंगे प्रोसीजर्स वगैरह क्या हैं बैच एक्सट्रैक्शन का, बैच एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये कब इस्तेमाल की जाती है, इसमें क्या काम किया जाता है। सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन कर लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन करने के बाद हम थोड़ा सा बैच एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर देखेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे इसके बारे में। एक फॉर्मूला होता है जी बैच एक्सट्रैक्शन के दरमियान कितनी सेपरेशन हुई है उसको परसेंटेज वगैरह मालूम करने के लिए, तो वो फॉर्मूला देखेंगे। एक न्यूमेरिकल होगा, एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, तो ये सपोज वैल्यू ले लेंगे, सपोज वैल्यू लेके हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं जी बैच एक्सट्रैक्शन की। बैच एक्सट्रैक्शन कहते हैं जी द टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या लिक्विड एक्सट्रैक्शन या लिक्विड एक्सट्रैक्शन की टाइप है। द टाइप ऑफ किसम है ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्शन या लिक्विड एक्सट्रैक्शन की किस्म है एक्सट्रैक्शन, जिसमें क्या काम होता है एक्सट्रैक्शन, इन विच आ या फिर टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स जिसमें दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड टू सेपरेट, अलहदा करने के लिए, टू सेपरेट द सॉल्यूट। सॉल्यूट को अलहदा करने के लिए हम दो इमिसिबल सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिएगा ये तब इस्तेमाल होगा जब जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशेंट भी कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हायर हो, लार्जर हो, सही है। ये क्या होगा, व्हेन टू इमिसिबल सॉल्वेंट यूज टू सेपरेट द सॉल्यूट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन रेशो
डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो होनी चाहिए आपके सॉल्यूट की इज लार्जर, ये ज़्यादा होनी चाहिए। लार्जर का मतलब क्या है ये भी देखेंगे, तब ये आपकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगी, इसको हम नाम दे देते हैं बैच एक्सट्रैक्शन का। अब इसका प्रोसीजर चेक कीजिएगा, प्रोसीजर मेन बात होती है हमारे पास। आपने क्या करना होता है जी, एक सेपरेटिंग फनल लेनी है, हमारे पास सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरह की होगी ऊपर, इसके बाद यहाँ पे ये बीन टाइप जिस तरह नहीं होती फिल्मों के अंदर बीन, ये तकरीबन उसी तरह की होती है, ये हमारे पास बीन टाइप है। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता है, इसको हमने हैंग किया होता है स्टैंड के साथ, और यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता है, इसको आप रोटेट करवा सकते हो। तो यानी अगर आपने बंद करना है तो बंद कर दे, ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक स्टॉपर लगा होता है। यहाँ से आपने सॉल्वेंट वगैरह इंटर करने होते हैं, यहाँ से आपने सॉल्वेंट को इंटर करना होता है, यहाँ से सॉल्वेंट को निकाल सकते हैं इस स्टॉपर को ओपन करके। ये हमारे पास क्या है, सेपरेटिंग फनल है, सेपरेटिंग फनल है। इसके बाद ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, ये है स्टॉपर। स्टॉपर का मतलब होता है, स्टॉप का मतलब होता है रोकने वाला, स्टॉपर भी उसी के जमरे में आता है, स्टॉप रोकना, स्टॉपर रोकने वाला, यानी कि ऊपर से सॉल्वेंट को नीचे की तरफ नहीं आने देगा। और इसके बाद हमने क्या किया था, एक सॉल्वेंट डाला होता है यहाँ पे, ये सॉल्वेंट नंबर, क्योंकि मैंने ऊपर कहा जी दो सॉल्वेंट इस्तेमाल करने हैं, एक सॉल्वेंट तो ये होगा, ये क्या है मेरे पास सॉल्वेंट नंबर वन, सॉल्वेंट नंबर वन, सही है, एक सॉल्वेंट ये होगा। इस सॉल्वेंट के अंदर मैं सपोज कर लेता हूँ वो सॉल्यूट है जिसको मैं अलग करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये चंद एक सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद ये बने, अब इसका भी मैंने यहाँ पर क्या करना किया जी, सेकेंड सॉल्यूट को ऐड किया, यहाँ पर मैंने सेकेंड सॉल्यूट को, सॉरी सॉल्वेंट को ऐड कर दिया है, सही है, जिसके अंदर ये सॉल्यूट ज़्यादा हल पजीर होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्वेंट नंबर टू, सॉल्वेंट नंबर टू। तो जो अमूमन नीचे वाली लेयर होती है अमूमन एक्वा सॉल्वेंट होता है, जो ऊपर वाली होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये ऊपर में जाकर अलहदा हो जाएंगे, यही चीज़ हम करना चाहते थे, तो ये हमने काम कर लिया। इस चीज़ को हम कहते हैं जी बैच एक्सट्रैक्शन, जिसमें आप क्या करें, दो सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करें सॉल्यूट को अलहदा करने के लिए, और दोनों के दोनों सॉल्वेंट आपके क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर हल नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों हल हो जाते हैं तो आपके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कोई फायदा ही नहीं है, सही है, हल नहीं होने, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सही। इसके बाद क्या होगा जी, आपका सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, मूव करने के बाद हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और इसी चीज़ को हम बैच एक्सट्रैक्शन कहते हैं, सही है। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, बैच एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रोसीजर क्या होगा, अगर प्रोसीजर की बात करता हूँ ना, तो हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल है, वी हैव अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल है, सही है। अब इसमें आपने क्या करना है जी, सॉल्वेंट वन को, जिसके अंदर सॉल्यूट हमारे पास हल होगा, सॉल्वेंट वन को आपने सेपरेटिंग फनल के अंदर डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले स्टेप में, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द सॉल्वेंट को डाल दें इन द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के अंदर आपने सॉल्वेंट को डाल देना, और वो वाला सॉल्वेंट डालना है जिसके अंदर आपके पास कौन सी चीज़ है, सॉल्यूट हैविंग सॉल्यूट। अब सेकंड नंबर पे क्या करना है जी, दूसरा सॉल्वेंट डालें जिसके अंदर आप इस सॉल्यूट को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आप इस सॉल्वेंट के अंदर इस सॉल्यूट को लहदा नहीं कर सकते, आपने ऊपर कोई ऐसा जिसको हम अमूमन कहते हैं जी मोर वोलेटाइल सॉल्वेंट इस्तेमाल किया होता है, जिसे आप वहाँ पे सॉल्यूट को ऊपर लेके जाकर उस सॉल्वेंट को वेपोरेट करवा देंगे, पीछे हमारे पास सॉल्यूट रह जाएगा, सही। वो वाला सॉल्वेंट मैंने ऊपर डाल दिया, सही। नाउ ऐड तो अब आपने क्या करना, नाउ ऐड सेकेंड सॉल्वेंट, अमूमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, दूसरा सॉल्वेंट ऐड कर देना है, जो कि अमूमन कौन सा होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, ये बात आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, अमूमन ईथर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल कर लें, ईथर कर लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड कर लें, ये चंद एक हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं।
अब आपने सेकंड सॉल्वेंट ऐड करना, जैसे सेकंड सॉल्वेंट ऐड करेंगे हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे वाले लेयर से ऊपर वाले लेयर में जाना शुरू हो जाएंगे। एंड नाउ ऐड सेकंड सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स होंगे मूव, ये हरकत करना शुरू कर देंगे, मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लोअर लेयर टू अपर लेयर, लोअर लेयर टू द अपर लेयर, लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। एंड सॉल्यूट इज एंड सॉल्यूट और जो सॉल्यूट होगा इज सेपरेटेड, और सेपरेट कर लेंगे। लेकिन था जी हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का थोड़ा सा प्रोसीजर लिखा है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है जी, आपका कितना सॉल्यूट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर गया है इसकी परसेंटेज निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह होता है, P इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें हम देख भी लेंगे। ये P क्या है, P इज इक्वल टू KU, यहाँ पे भी KU प्लस वन। अब यहाँ पे P क्या है, K क्या है, U क्या है, KU क्या है, सही है। और इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ लिखी है, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात है जी, P जो यहाँ पे हमने मैंने लिखा है, ये P रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो सॉल्वेंट है, कितना सॉल्वेंट है नीचे से सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया है, P उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सही है। वेयर यहाँ पर जो P है ये क्या है, P अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड कि आपका कितना सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है P। K क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट है, यह क्या हमारे पास है, K डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट हम पीछे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट अमूमन हमारे पास बराबर होता है A इन ऑर्गेनिक ओवर, या फिर इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो यहाँ पर A एक्वस, A क्या हमारे पास सॉल्यूट है, यहाँ पे A क्या है, A हमारे पास सॉल्यूट है, भाई ये भी याद रखिएगा। यानी ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कि आपका सॉल्यूट ऑर्गेनिक लेयर के अंदर कितना गया है और आपका सॉल्यूट एक्वस लेयर के अंदर कितना गया है, ये हमारे पास K को रिप्रेजेंट करता है। यू क्या है यहाँ पे, यू याद रखिएगा ये रेशो है, किसके दरमियान में रेशो है, ये दो चीज़ों के दरमियान में रेशो होती है, सही है। हमारे पास सॉल्वेंट फेज या अपर लेयर वॉल्यूम, जो ऊपर वाला लेयर है उसका वॉल्यूम, ओवर लोअर लेयर वॉल्यूम, लोअर लेयर वॉल्यूम, ले जी हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ सपोज किया मेरे पास एक कंपाउंड जिसको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ, उसका आपने ये सिर्फ मालूम करके देना वो कितना सेपरेट हुआ है, तो उसके लिए चंद एक चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको। सो मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो सॉल्यूट ऑफ अपर लेयर है ना, ये वाली चीज़ मैं सपोज कर लेता हूँ, सही है, मैं UP लिखूंगा इसको UP गिवन डाटा के अंदर, मैं इस तरह कुछ अपनी तरफ से सपोज कर रहा हूँ, गिवन डाटा मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहता हूँ जी अपर लेयर के अंदर जो सॉल्यूट है वो हमारे पास है 40, वो हमारे पास है 40, लोअर लेयर के अंदर L लिखूंगा यहाँ पे, वो है 10 cm³, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब। K की जो वैल्यू है उस रिएक्शन के लिए 4 है, क्या है हमारे पास K की वैल्यू 4 सपोज कर रहा हूँ। तो इसके अलावा देख लीजिए हमारे पास यही चीज़ें चाहिए, और मैं ये वाली चीज़ मालूम करना चाहता हूँ P, सही है, कौन सी चीज़ मालूम करना चाहता हूँ, टू फाइंड, जो चीज़ मालूम करना चाहता हूँ मैं ये वाली लिख लेता हूँ, टू फाइंड जो चीज़ मैं यहाँ पर मालूम करना चाहता हूँ वो है P कि कितना सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह का होगा कि P जो होगा वो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू के यू प्लस वन। सबसे पहले तो U मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपका जो वॉल्यूम है अपर लेयर में UP ओवर UL चाहिए,
सही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन अपर लेयर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लोअर लेयर। सही, इनकी वैल्यूज मेरे पास मौजूद है। अपर लेयर की वैल्यू है हमारे पास कितना वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर क्यूब और लोअर लेयर का हमारे पास है 10 सेंटीमीटर क्यूब। इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। लीजिए एक चीज़ तो मैंने निकाल ली है जो 4, अब बाकी चीज़ें मैं निकालना चाहता हूँ। बाकी चीज़ें किस तरह ये फॉर्मूले के अंदर निकालो डालो। सही, इसके बाद आप बाकी चीज़ें निकालो। के की वैल्यू है हमारे पास 4, यू की वैल्यू आ गई 4, सेम इस तरह नीचे भी 4 × 4 + 1। सही, पी इज इक्वल टू 16 × 16 + 1 = 17। अगर इसकी परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सही, 16 × 17 × 100। मैं सपोज करता हूँ, ये सपोज करके लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेट कर लीजिए खुद ही। ये सपोज करता हूँ कि हमारे पास 95 के राउंड अबाउट ही आएगा, 95% है इसका। नहीं, ये था ये हमारे पास क्या बैच एक्सट्रैक्शन। बैच एक्सट्रैक्शन सिंपल सी बात याद रखनी है, बैच एक्सट्रैक्शन में क्या काम होता है कि आपके पास दो सॉल्वेंट होते हैं। सही, नीचे वाला एक ऊपर वाला सॉल्वेंट अमूमन ऑर्गेनिक का होता है, नीचे वाला हमारे पास एक्वस का होता है। इसमें क्या होता है जी, दो सॉल्वेंट नीचे वाली जगह से ऊपर वाली जगह पे मूव कर जाता है। और याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू पे। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो, दो चीज़ें कंडीशन हो सकती हैं। सही, ये किस पर डिपेंड कर रही होती है, कितनी आपको एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ेगी। सही, ये डिपेंड करती है डिपेंडेंस जो इसके डिपेंडेंस है वो हमारे पास इन चीज़ों पे है। पहले नंबर पे डी बहुत ज़्यादा, दो कंडीशन हो सकती हैं, डी अगर बहुत ज़्यादा हाई है या डी नॉर्मल है। सही, नॉर्मल का मतलब है कि ना इतना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। अगर तो डी बहुत ज़्यादा हाई है तो वन एक्सट्रैक्शन इज़ एनफ। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सट्रैक्शन काफ़ी है। सही, इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन रिक्वायर। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब दो या तीन एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ेगी। किस तरह एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ेगी, आपने पहले एक दफ़ा सॉल्वेंट डाला, जितने इसने ऊपर लेके आना है सॉल्यूट ले आएगा, बाकी इस सॉल्वेंट को निकाला, फिर एक दफ़ा डालना है, फिर एक दफ़ा दो या तीन दफ़ा इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ती है। लेकिन अगर आपके डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, डी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, सही है, या डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। सही, ये हमारे पास डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू अगर तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, सिर्फ एक एक्सेशन करें आपका सारे का सारा सॉल्यूट नीचे ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो अगर डी की वैल्यू नॉर्मल है, यानी कितनी बड़ी है ना इतनी छोटी है, तो आपका क्या होगा, सारे का सारा नीचे वाले लेयर के अंदर, या बहुत ज़्यादा छोटी है तो सारे का सारा नीचे वाले लेयर के अंदर रहेगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा। सही है, तो आपको मल्टीपल एक्सेशन करवानी पड़ती है यहाँ से सॉल्यूट को अलहदा करने के लिए। ये हमारे पास बैच एक्सट्रैक्शन, यही था हमारे पास। इसके लिए एफिशिएंसी किस तरह निकाली जाती है, फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे के यू क्या है हमारे पास, पी क्या है। सही है, और यू जो होता है ये असल में हमारे पास अपर लेयर और लोअर लेयर, यानी कि कितना वॉल्यूम आपने अपर लेयर में यूज़ किया, कितना लोअर लेयर में यूज़ किया है, इन दोनों के दरमियान में रेशो होती है। ये था जी हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।